बालों का टूट आम बात हो चुकी है। हमारे हेयर्स अगर अच्छे नहीं होते तो हम भी अच्छे नहीं दिखते, इसलिए मैंने एक ऑयल बनाया है। आज मैं आपको ये ऑयल बनाना बताती हूँ। मैंने यहाँ सरसों का तेल यूज़ किया है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो आप लगाते हैं। हेलो चैनल शेड्स बाय शेडो, आइए मैं आपको ऑयल बनाना बताती हूँ। हमने इसमें इस ऑयल में करी लीव डाल ली है, हमें इसको साफ़ करना है, पानी से अच्छे से धुलना है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट होती है। हमने इसको अच्छे से कपड़े से पोंछ लेना है जो इसमें पत्तियों में पानी ना रह जाए, तो इनको हमें निकाल के इसमें हमने इस कंटेनर में डाल देना है। आपको पता है कि ये करी लीव्स कितनी अच्छी होती हैं बालों के लिए, हमारे बाल मजबूत होते हैं, कम झड़ते हैं, तो ये हमारे बालों के लिए काफ़ी अच्छी होती है। और दूसरा हमें एलोवेरा को हमने कट कर लेना है और इसका जो येलो पार्ट होता है उसको निकाल देंगे। उसके बाद हम इसमें पीसीस कट करके कंटेनर में डाल देंगे। इसको हमने कट करके डाल देना है। तो ये ऑयल आपका 20 से 25 दिन चलेगा, तो आपको हफ्ते में 2 से 3 बार लगाना है और वॉश करना है। आप नाइट में लगा लीजिए और सुबह वॉश कर लीजिए और देखिए इसके फ़ायदे बहुत ही हैं। आप लगा के रखिए, हमें इसको धूप में रखना है 2 से 3 दिन, उसके बाद हमारा ऑयल ये एकदम लगाने के लिए रेडी हो जाएगा। इसको हमने एक कंटेनर में इसमें जार में बंद करके और धूप में रखना है। आप देखेंगे इसके बहुत ही फ़ायदे हैं। गाइस अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ये देखिए हमने जार में इसमें डाल लिया है, इसको बंद करके हमने धूप में रखना है। हम 2 से 3 दिन इसको धूप में रखेंगे और आप लगाएंगे तो इसके फ़ायदे भी आपको दिखाई देंगे। आप इसको एक बार घर पे बनाइए और यूज़ करके देखिए, आपको भी अच्छा लगेगा। इससे आपके बाल घने और लंबे होंगे। आप वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें प्लीज़।